हमने 22/4/2021 यानी परसों 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अब झारखंड में भी लॉकडाउन रहेगा। यूपी में वीकली लॉकडाउन लग गया है, दिल्ली में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन को हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। राज्य में इस दौरान क्या चीजें खुली रहेंगी और क्या बंद, इस बारे में सारे नियम कायदे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताए। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है, हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम COVID-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीज़ें बंद होंगी कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में सभी पत्रकारों को सभी मीडिया चैनलों में आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 4290 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या अब 30,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,59,170 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1761 लोगों ने अपनी जान कोरोना के कारण गंवा दी है।